छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति में संविदा के 53 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और इतने सारे पदों पर छत्तीसगढ़ राज्य अर्थात महिला एवं बाल विकास विभाग में ये जारी किया गया है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है ऑफलाइन होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो जिला बालोद में निकाला गया है वैकेंसी, देख सकते हैं, और टोटल 6 तरह के वैकेंसी से जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी संस्था का देख रेख, विधिक सह परीक्षक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आउटरीच वर्कर के पोस्ट रहेंगे। तो अलग अलग मासिक वेतन यहाँ पर जो कि 44,000, 27,000, 18,000, 13,000, 10,000 रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर में दो तरह का पोस्ट है। उसी प्रकार बस्तर में देखेंगे तो यहाँ भी दो प्रकार का है। अगर बेमेतरा में देखते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार का पोस्ट है। बीजापुर में देखते हैं तो 1 प्रकार का पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। बिलासपुर में देखते हैं तो यहाँ पर बिलासपुर में ज़्यादा 4 तरह के पोस्ट हैं। इसके बाद अगर हम दंतेवाड़ा का देखते हैं तो यहाँ 7 प्रकार के पोस्ट हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, लेखापाल का भी एक पोस्ट है और वेतन 18,000 रखा गया है। इसी प्रकार धमतरी, जसपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, सुकमा, रायगढ़, सरोजपुर, इतने सारे जिलों में निकाला गया है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑफलाइन है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर अनिवार्य रूप से दिया हुआ, देख सकते हैं, स्नातकोत्तर डिग्री, यहाँ पर 2 वर्ष का परीक्षा अवधि भी होना चाहिए, स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है। जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता में आप समाजशास्त्र में स्नातक क्यों होने चाहिए, लेखापाल में आप जो है टेली कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर में स्नातक होना चाहिए, डाटा एनालिटिक्स के लिए, सहायक ऑपरेटर के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। केवल आप 12वीं पास है तो आप आओ, यहाँ पर जो दिया हुआ है आउटरीच वर्कर, इसमें फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें हर पद के लिए जो आयु का निर्धारण किया गया है वो 1 जनवरी 2024 से 21 वर्ष कम से कम और 35 साल से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस हर में अलग अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका आपका 70% वेटेज मिलेगा। यहाँ पर कोई न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। लिखा हुआ है कि तो निर्धारित न्यूनतम अवधि में अगर पश्चात प्रत्येक वर्ष का आपको दो अंक दिए जाते हैं, जो कि अधिकतम 5 साल का 10 अंक दिए जा सकते हैं। यहाँ पर और बताया गया है कि अगर आपका कौशल परीक्षा इसमें किसी में लिया जाता है तो आपको 20 अंक दिए जाते हैं, जो कि 10 अंक होंगे। यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के 10 अंक और कौशल परीक्षा के 10 अंक, तो टोटल 20 रहेंगे और इसी के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो यही जानकारी था। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। हम इस PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इस आवेदन पत्र के प्रारूप को भी आप फिलअप कर सकते हैं। ये ऑफलाइन आवेदन करना है आपको, 28 तारीख तक आपको आवेदन करना होगा। और आवेदन किस पते पर करना होगा वो सबसे पहले ही पेज में दिया हुआ है, वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये देख सकते हैं आपको इस पत्र यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर प्रेषित करना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा 28/11/2024 तक।